अगर अमेरिका के सिलिकॉन वैली का सारा डेटा अचानक खत्म कर दिया जाए तो क्या फिर भी अमेरिका विश्व गुरु मतलब वर्ल्ड पावर बना रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के साथ में सन 1193 में, 1193। तो चलिए पहले एक कहानी सुनते हैं। कहानी किसकी? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी आया भारत, क्यों आया? भारत को जीतने के लिए। तो जैसे ही भारत आए भाई साहब तो हो गए बीमार। क्यों हुए? क्योंकि भारत का मौसम। तो कोई वैद्य कोई डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पाया। अब जब कोई भी चारा ना दिखा तो बुलाया गया एक लोकल अध्यापक को, एक लोकल टीचर को, नाम था राहुल श्रीभद्र। तो जो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो एक लोकल टीचर ने कर दिया। बख्तियार खिलजी को काफ़ी कम समय में बिल्कुल ठीक कर दिया। तो ये संभव कैसे हुआ? तो बख्तियार खिलजी को ये समझ आया कि हम भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते कब तक, जब तक भारत का ये पूरा शिक्षा प्रणाली, पूरी एजुकेशन सिस्टम हम खत्म ना कर दें। तो फिर क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय के 90 लाख, हाँ जी 90 लाख, 9 मिलियन, 90 लाख किताबों को जला दिया गया। और इतिहास गवाह है कि उन 90 लाख किताबों को जलने के लिए, उस पूरी लाइब्रेरी को जलने के लिए 3 महीने का समय लगा। तो फिर क्या, आज भी 2022 में भारत के पास सबसे ज़्यादा मैन पावर होने के बाद भी भारत विश्वगुरु नहीं है। तो बजा द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ खत्म होने के बाद भी 90 साल का एक अध्यापक उसी किताबों की राख में द्वारा से खड़ा हुआ और उसने द्वारा से पूरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने का ट्राई किया। 90 साल की उम्र में जब इंसान के पास इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो खड़ा हो सके, उस समय वो किताबों की राख में हर जगह पे बच्चों को बुला बुला के वो द्वारा शिक्षित करना चाह रहा था। पर बाकी सब तो अलग बात, आपको ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है? तो एक निश्चल सा प्रयत्न है कि इस चैनल की फाउंडेशन, इस चैनल की वजह आपको बता सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। तो पहले बात करते हैं अजीब से नाम अविद्यालय के बारे में। तो ये अविद्यालय क्यों है? तो जो लोग समझते हैं भारतीय अध्यात्म को वो ये भी जानते हैं कि विद्या का उल्टा अविद्या नहीं होती, विद्या का ऑपोजिट अविद्या नहीं है। अविद्या विद्या की तरह ही एक चीज़ है, बस उससे अलग है। तो अविद्या में हम बस सब्जेक्ट की बात करते हैं कि क्या हुआ, किसने किया, लेकिन विद्या में हम बात करते हैं कि क्या हुआ और साथ में करने वाला कौन था, किसने किया और उस करने की वजह क्या थी। तो ये ऑनलाइन पढ़ाने को, यूट्यूब में पढ़ाने के लिए मैं इसे अविद्या क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय मेरे सामने जस्ट एक कैमरा है और मैं अपने हिसाब से कुछ भी बताऊँगा, समझाऊँगा, सिखाऊँगा, तो वो एक परसेप्शन है। जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये बताना चाहिए, लेकिन सामने वाला क्या समझ रहा है, उसके प्रश्न क्या है, तो वो वन टू वन इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है। तो मेरे हिसाब से जो भी ऑनलाइन मीडियम है वो सिर्फ एक अविद्यालय है। तो फिर विद्या क्या हुई? तो विद्या है बेसिकली वन टू वन इंटरेक्शन, जो कि सिर्फ ऑफलाइन क्लास में फिजिकल एक से एक जब बात करेंगे तभी पॉसिबल है। तो औचित्य मतलब मोटिव मात्र इतना सा है कि अगले 3 साल में वो इंसान जो पहली बार इंटरनेट से मिलने वाला है, जुड़ने वाला है, उस तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं, एक अच्छा लेवल, एक अच्छा एजुकेशन लेवल क्रिएट करूं, ताकि जो इंसान, जो भारत की वर्क पावर है, वो एसेट बने ना कि लाइबिलिटी। और इस प्रोसेस में अगर ये चैनल, ये इंसान राहुल श्रीभद्र की तरह ऑनेस्टी, डेडिकेशन ये सब प्राप्त कर पाए, 90 साल की उम्र में जो इंसान राख में बैठ के पढ़ा रहा हो उस लेवल की ऑनेस्टी अगर मुझ तक पहुंच पाए, तो मानूंगा कि कुछ तो काम किया है मैंने ज़िंदगी में। तो इस चैनल में, रियाल्स अविद्यालय में, हम सब्जेक्टिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ाई करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। और अगर कोई टॉपिक इतना डीप हुआ, इतनी डिटेल में पढ़ना पड़ा, तो उसे हम 4 लेवल में ब्रेक करेंगे। पहला लेवल -1, देन लेवल ओ, लेवल +1, और फिर उसके बारे में कुछ स्पेशल प्रश्न। या और बात रही मेरी, नाम क्या है, डिग्री क्या है, रहता कहाँ हूँ, तो उसके बारे में कबीर दास बोल गए हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। तो चलिए इसी बात पर गंतव्य तक पहुंचने के इस सफर को करते हैं